कृषि कानूनों के विरोध में कैथल के कलायत में भी किसानों ने चक्का जाम कर रोष जाहिर किया है। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा ऐलान किया गया था कि 6 फरवरी को चक्का जाम किया जाएगा, जिसके चलते खरक पांडवा के पास नेशनल हाईवे पर भारी संख्या में किसानों ने चक्का जाम किया। धरने की अध्यक्षता मोणा के प्रधान धूप सिंह ने की। इस दौरान कृषि कानून के विरोध में इस्तीफा देने वाले सरपंचों, ब्लॉक समिति मेंबरों को धरनास्थल पर सम्मानित किया गया। धरने पर चाय पानी की व्यवस्था भी रही। किसानों द्वारा इमरजेंसी एम्बुलेंस वगैरह को नहीं रोका गया। बताते चले कि किसानों ने आज 6 फरवरी को सुबह 12 से 3 बजे तक जाम लगाने का ऐलान किया था, जिसके चलते आज जाम लगाया गया। इस दौरान किसानों ने कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी भी की। किसानों ने कहा कि सरकार जबरदस्ती इन कानूनों को किसानों पर थोप रही है। किसानों ने चेताते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वह संघर्ष करते रहेंगे। बता दें कि किसानों और सरकार के बीच कई बार वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं बन रही। आलम यह है कि किसान अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। कलायत से संदीप भुक्कल व रवि गर्ग की रिपोर्ट। हरियाणा, पंजाब, जम्मू मोर्चा, पूरा ऑल इंडिया की तरफ से जो हमारे सरपंच भाई, जिला परिषद भाई तहे दिल से सम्मान करते हैं और हमने आज सम्मानित किया है, तो इसी तरह से आगे हमारे उत्साह बढ़ता रहे। दूसरे जो सरपंच भाई, ब्लॉक समिति मेंबर भाई, जिला परिषद मेंबर भाई और हम रह रहे हैं, वो भी सेवा दे दें और रोष प्रकट करें। मैं जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये हमारा संयुक्त मोर्चा की तरफ से हमारा दिल्ली से कॉल आई थी। हमारा ये 12 बजे से और 3 बजे तक का धरना प्रदर्शन रहेगा, शांतिप्रिय रहेगा और ये छत्ती बिरादरी का हमारा धरना है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।